दोस्तों सीरीज 105 में आपका हार्दिक स्वागत है। बने रहिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेट की बात करें तो रेट में 10 तारीख से काउंसलिंग शुरू होने वाली है। 10 जनवरी से लेकर 9 फरवरी तक काउंसलिंग शुरू होगी, फॉर्म भरे जाएंगे। उसके बाद 2 गुना वरीयता सूची निकाली जाएगी, 2 गुना कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद फाइनल 1 गुना को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि सभी के मन में ये सवाल आ रहा है कि फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। रीट लेवल 2 की बात करें नॉन टीएसपी में, आज हम बात करेंगे मैथ साइंस सब्जेक्ट की कि संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है। मैथ साइंस को मिले हैं टोटल पद 3175 पद मिले हैं। जी हाँ, इनके 2 गुना पदों पर वरीयता सूची निकलेगी, लेकिन हम 1 गुना की बात करेंगे कि 1 गुना के लिए फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। उसके अनुसार आप आइडिया लगा सकते हैं कि 2 गुना की क्या रहेगी, थोड़ी उससे कम मान सकते हैं। 1 गुना बात करेंगे तो जनरल की 82 से 83% आप अगर 90-10 के रेशियो से 90 ग्रेजुएशन 10 ग्रेजुएशन और 90-8 के पेपर के अनुसार अगर रेशियो मिलाकर आप ओवरऑल परसेंटेज निकालें, तो अगर आपके परसेंटेज 82 to 83 बन रहे हैं जनरल से हो तो आप सिक्योर हो पूर्णतः। ओबीसी की बात करें तो 80.5 से 81.5 तक जा सकती है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 76.9 से 77.9 तक पूर्णतः सिक्योर मान सकते हैं। एसटी की बात करें तो 74.9 to 75.7 तक सिक्योर मान सकते हैं। ये संभावनाएं बताई जा रही है कि इतना कट ऑफ रह सकता है। बात करें ईडब्ल्यूएस एमबीसी के, तो इनके लगभग बराबर रहने की संभावना है, 79 to 80 के लगभग मान सकते हैं दोनों की। ये 1 गुणा के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर 2 गुणा में बात करें तो थोड़ी कम, इससे थोड़ी डाउन रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, बने रहेगा नए नए अपडेट्स के लिए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब।